फ्रेंड्स, ज्ञान स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही आप बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी मेरे चैनल पर नया वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि यदि आपको टाइफाइड का बुखार हो जाता है तो आपको ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं जिनका सेवन अधिक करना चाहिए ताकि आपको इस बीमारी से जल्दी रिकवर करने में मदद मिल सके। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगी कि किस तरह की चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहली जो चीज़ है वह होता है पानी, क्योंकि पानी जो होता है बहुत सारी बीमारियों की वजह होता है। ऐसे में यदि आपको टाइफाइड का बुखार होता है तो आप 1 लीटर पानी में 3 से 4 लौंग डालिए और इस पानी को छान कर ठंडा कर लीजिए, और जब भी आप पानी पीते हैं तो आप इसी पानी को पीजिए, तो इससे टाइफाइड में बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छा आराम मिलता है। इसके बाद आप पानी जो है वह हमेशा उबाल कर पिएं, जितना ज़्यादा हो सके आप पानी पिएं, लेकिन आप हमेशा यह बात ध्यान में रखें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उबला पानी पिएं। इसके बाद टाइफाइड में कुछ फल होते हैं जैसे कि केला, चीकू, पपीता, सेब, मौसम्मी और संतरे। इस तरह के जो फल होते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं टाइफाइड की प्रॉब्लम होने पर। इसके अलावा जब आपका बुखार उतर जाए और उसकी वजह से, टाइफाइड की वजह से जो कमजोरी आ जाती है उसे दूर करने के लिए आप किन चीज़ों का सेवन करें, तो इसमें आप किशमिश, मुनक्का, मूंग की पतली दाल, पतला दलिया, मक्खन, उबला हुआ दूध आप पानी मिलाकर भी इसे पी सकते हैं यदि आपको जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और इसके अलावा आप दही, इस तरह की जो चीज़ें हैं, यदि आपको टाइफाइड होता है और उसमें आपको आराम लग रहा है तो आप इन सारी चीज़ों को भी अपने भोजन में शामिल करें, तो इससे आपको और भी जल्दी आराम मिलेगा। इसके अलावा आप ऐसे फल खाएं जो कि बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। इस तरह के फल खाने से आपको काफ़ी जल्दी फ़ायदा होगा। टाइफाइड में दाल, खिचड़ी, हरी सब्जियों में आप पालक, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर और पपीता खाएं, तो इससे टाइफाइड में काफ़ी जल्दी आराम मिलता है। इसके अलावा टाइफाइड में दही खाने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है, इससे भूख और जलन भी शांत होती है। लेकिन यदि आपको जुकाम, खांसी और जोड़ों में दर्द हो रहा है टाइफाइड की वजह से तो आप कोशिश करें कि दही का सेवन नहीं करें, क्योंकि इससे आपकी मसल्स में, आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है। इसके अलावा यदि आपको दस्त की तकलीफ़ नहीं हो रही है तो आप 1 कप दूध या मैं इतने ही पानी में आप 1 चम्मच ग्लूकोज मिलाकर बार बार पिए तो इससे भी आपको काफ़ी जल्दी राहत मिलती है। दूध के सेवन से दवाइयों की गर्मी कम होती है और शरीर को ऊर्जा मिलती है, तो आप दूध का सेवन करें, यह आपके शरीर की कमजोरी को भी दूर करता है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप चाय और कॉफ़ी जो है कोशिश करें कि आप टाइफाइड की प्रॉब्लम में ना ही पिएं। यदि आप पीते ही हैं तो आप बहुत कम मात्रा में इसे पिए तो इससे आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा टाइफाइड में साबूदाना का सेवन करना भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। साबूदाना की आप खीर बनाकर खा सकते हैं या फिर आप साबूदाना को पानी में उबालकर भी इसका सेवन करिए, तो इससे भी आपको टाइफाइड की समस्या में काफ़ी जल्दी राहत मिलती है। इसके अलावा टाइफाइड में एलोवेरा जो होता है इसका जूस और हल्दी मिलाकर रोगी को पिलाने से, सिर और पंजों पर इस मिश्रण की मालिश करने से जो बुखार होता है वह निश्चित रूप से उसमें लाभ होता है, इसमें काफ़ी जल्दी आपको मदद मिलती है। इसके अलावा पुदीने की पत्तियों में नमक, हींग, अनारदाना डालकर बनी चटनी खाने से भी टाइफाइड का जो बुखार होता है उसमें काफ़ी आराम मिलता है। तो दोस्तों, इस तरह की कुछ चीज़ों का आप सेवन करते हैं तो इससे आपको टाइफाइड में काफ़ी अच्छा लाभ होता है। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक यह वीडियो पहुँच सके।